नाम संदीप डाका है, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूं और रीट भर्ती 2018 से संबंधित हूं, जिसकी वेटिंग पिछले 10 महीनों से, जिसमें जो चयनित नहीं है उन लोगों ने अटका के रखी है। सरकार हमारे साथ होने का दावा तो कर रही है लेकिन हमारे साथ है नहीं वास्तव में। अगर एक दिन भी सही तरीके से हमारे केस के ऊपर सुना जाए या बहस हो तो उस दिन हम स्कूलों में होंगे, क्योंकि हमारे 80% साथी है वो ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी साथियों को स्कूल अलॉट हो चुके हैं, डीवी हो चुकी है सबकी, केवल 20% को जानबूझ करके कुछ लोगों ने अटका करके रखा है। तो सरकार से यही आस करते हैं कि जिस प्रकार हमारा धरना बीकानेर भी लगातार 100 दिन से ज़्यादा हो गए हमें चल रहा है, रक्षाबंधन भी वही बनी, दशहरा भी वही था, और हम यही आस करते हैं सरकार से कि दिवाली यहाँ ना बनवाए, हम बहुत दुख हैं। हम 2 दिन इंतज़ार और कर रहे हैं मैडम, अगर कोई बात सुनने वाला नहीं है तो सभी के सभी बेरोजगार जो हैं वो जहां पर उपचुनाव है वहां पर कुछ करेंगे और सरकार का हर तरीके से विरोध करेंगे, क्योंकि पिछले 14 अक्टूबर से लगातार हम यहां धरने पर हैं, 100 दिन से वहां नहीं सुन रहा है राज। हमने सोचा चलो वहां नहीं सुने, बीकानेर दूर है कुछ, तो जयपुर आए, संवेदनशील सरकार होने का दावा करने वाली सरकार राजधानी में जब नहीं सुन रही है तो वो जहाँ ये दावा करेगी कि प्रतापगढ़ में जाकर के आपकी बात मानी जाएगी या दरियाबाद में मानी जाएगी तो वो सरासर गलत है। उन लोगों को जाकर के बताएंगे कि ये सरकार केवल दिखावा करती है संवेदनशील होने का, जबकि है नहीं, क्योंकि वो संवेदनशील है तो या तो अपने मंत्रिमंडल को बचाने में या अपनी सरकार को बचाने में बहुत संवेदनशील है, लेकिन इन बेरोजगारों की सुनने में कोई भी सरकार का मंत्री, कोई नुमाइंदा संवेदनशील नहीं है।